नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सुख, लग्जरी, पैसा, धन दौलत, चमक धमक के कारक ग्रह शुक्र 11 अगस्त 2021 को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं आपसे कि अगर शुक्र अच्छे हैं तो जीवन में सुख अच्छे हैं। शुक्र का कमजोर होना सुखों की कमी लेकर आता है, वैवाहिक जीवन में कमी लेकर आता है शुक्र का कमजोर होना। कामकाजी दुनिया में भी आपको वो शोहरत, वो लग्जरी नहीं मिल पाती है अगर शुक्र कमजोर हो तो। हर सफलता के पीछे कहते हैं कि शुक्र का हाथ होता है, और आपने कहावत सुनी होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो शुक्र भी एक महिला ग्रह है। मां लक्ष्मी इनकी आराध्य है शुक्र ग्रह की, तो समझ लीजिए कि आपके पीछे भी सफलता का हाथ हमेशा शुक्र का ही होता है। तो शुक्र को मजबूत करके हर एक इंसान को चलना चाहिए। 11 अगस्त को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे, यहां से कुछ राशियों को अच्छा, कुछ को थोड़ा सा खराब रिजल्ट देंगे। शुक्र के पास सप्तम दृष्टि होती है, वो जहां बैठते हैं वहां से सप्तम भाव को देखते हैं। शुक्र का प्रभाव यानी नीच शुक्र का प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ेगा, इस गोचर में उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं आपकी राशि के ऊपर, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। यह जानकारी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। शुक्र 11 अगस्त से 6 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी अपनी नीच राशि में रहेंगे। शुक्र को लक्ष्मी जी का कारक माना गया है। शुक्र बढ़िया तो सब बढ़िया। तो आइए जानते हैं आपकी राशि के लिए क्या बढ़िया है, क्या खराब है। मैं शुभारंभ करूं आपकी राशि का, उससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको। इसके साथ साथ कुछ बातें और भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अगर शुक्र खराब हो तो हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, या आपकी राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना अच्छा रहेगा। आप उस रत्न को पहनकर भी बहुत अच्छे फायदे ले पाएंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत है तो आपके लिए परिणामों में शुभता ज्यादा हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में भी शुक्र किसी भी प्रकार से नीच के हैं या पीड़ित अवस्था में है तो फिर आपको विशेष उपाय करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं। तो आपकी राशि के बारे में जानते हैं शुक्र का क्या हाल है और शुक्र का आपके प्रति क्या ख्याल है। कुंभ राशि की बात करते हैं तो शुक्र आपके नवम और चौथे भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आप काम तो करेंगे लेकिन संतुष्ट नहीं होंगे, काम करके भी मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कुछ अधूरापन है, कुछ और बेहतर हो सकता था, कुछ कमी रह गई, दिल खुश नहीं हुआ। आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है। अशुभ शुक्र विवाहित जीवन में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे। वैवाहिक जीवन में झगड़ा, कड़वाहट, उल्टे सीधे शब्दों का बोल चाल होना, लड़ाई झगड़े होना, बहसबाजी होना बढ़ सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वो भी सावधान रहें। एक वक्त में एक से अधिक जगह पर चक्कर चलाना यानी कि अवैध संबंध रखना आपके लिए घातक सिद्ध होगा, आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। यानी अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी या प्रेमिका से विश्वासघात रिश्तों में मत करिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। शारीरिक सुखों के लिए आप बहुत ज्यादा जुनूनी होंगे और ये विनाश का कारण बनेगा। यानी शारीरिक इच्छाएं, किसी स्त्री से संबंध बनाना या किसी पुरुष से संबंध बनाना, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, वासना विलासिता बढ़ जाएगी और यही बर्बादी का कारण बन जाएगा। भोग विलास की लत जीवन में मुश्किलें पैदा करती चली जाएंगी। जमीन यानी कि भूमि, वाहन या कुछ भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो बहुत अच्छी योजना बनाएं या फिर अभी कुछ दिनों के लिए टाल दें, कम से कम 26 तारीख तक टाल दें, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है या कोई धोखा हो सकता है। नौकरी हो या व्यापार हो, शिक्षा हो, मेहनत खूब करनी पड़ेगी,
तभी काम बनने वाला है। आर्थिक तंगी ना हो इसके लिए पहले से ही अच्छी प्लानिंग करते हुए आपको चलना पड़ेगा। कई बार विवाहित पुरुष या पत्नी या कहें दोनों जीवन साथी के स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है, एक दूसरे के प्रति नफरत हो जाती है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगने लगते हैं, पुरानी बातें जिनका कोई आधार नहीं है आज के जीवन में वो बातें बाहर निकलने लगती हैं, इससे वातावरण खराब हो जाता है। नीच के शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ पैदा कर देते हैं जो आपको एक दूसरे से बहुत दूर कर देती है। शुक्र शादी से पहले इंसान को शरीफ बनाता है। जिनकी शादी नहीं हुई है वो काफी शराफत वाली जिंदगी जिएंगे, लेकिन शादी के बाद वो इंसान बदल जाता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो कुंवारे हैं वो भी बदमाशी करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन जो शादीशुदा हैं वो इस समय पर ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। उनकी जो उनका जो मनचलापन है, उनकी जो वासना विलासता है वो कहीं ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये भी एक समझने की बात है। तो यानी शादीशुदा लोगों को सतर्क रहना चाहिए। आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी भी मिलेगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। जैसे आप कहते हैं ना कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्या इसकी गारंटी लेते हो कि मुझे इसका फल मिल जाएगा, तो इस वक्त में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। गारंटी नहीं है कि आप मेहनत करें और वो चीज़ आपको मिल जाए। विवाहित पुरुषों को पत्नी जो है बड़े सख्त स्वभाव की देखने को मिलेंगी, अपनी ही पत्नी का स्वभाव बहुत सख्त हो जाएगा। पति को दब कर रहना पड़ सकता है इस समय में। यदि ऐसा हो तो मान लीजिएगा कि शुक्र निश्चित तौर पे आपकी जन्म कुंडली में भी खराब है, यहाँ पर तो खराब है ही। अगर पुरुष पत्नी से डर कर रह रहा है, उसकी बातें सुन रहा है, उसकी गाली गलौज बेवजह सुन रहा है, या फिर पत्नी बहुत ज़्यादा सख्त है, डंडे के नोक पर पति को रखती है, तो समझ लीजिए शुक्र खराब है। इस बात को विशेष अपनी स्मृतियों में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। इस समय में आप किसी की गारंटी ना लें। इस वक्त में कार्य क्षेत्र में आप सामान्य जीवन जिए, बहुत ज़्यादा तेज भागने की कोशिश ना करें, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। विदेश जाकर अमीर बनने का सपना टूट सकता है। विदेशी काम से जुड़कर काम करने का सपना टूट सकता है। जो पहले से विदेश गए हुए हैं उन्हें भी जबरदस्त मेहनत करके अपनी जीविका चलानी पड़ सकती है। पैसा कमाना और बचाना बहुत ज़्यादा आसान अब नहीं होगा अगले आने वाले कुछ दिनों में। परिवार के बीच में तनाव बढ़ता जा सकता है। विवाह के योग्य जो लोग हैं वो लोग थोड़ा सा इंतज़ार करें। वो लोग सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए, जैसे लड़का है वो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, लड़की है तो लड़के को इम्प्रेस करने के लिए झूठी बातें ना बताएं, जो नहीं है वो भी ना बताने की कोशिश करें, झूठ पकड़ा जाएगा। वैसे इन सब चीज़ों में हाँ या ना करने के लिए 26 तारीख तक आपको रुकना चाहिए। माता जी की सेहत का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक मानसिक पीड़ा और आर्थिक पीड़ा यानी पैसों का दर्द हो सकता है। घर के बड़ों की सेहत पे विशेष ध्यान रखिएगा, अपनी भी सेहत का ध्यान रखिएगा। आपको कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे ताकि आपको राहत मिल सके। अपनी आंखों का ध्यान रखें। शुक्र संबंधी व्यापार करने वाले लोग ये वक्त थोड़ा सा संभल कर बिताएं। 26 तारीख तक तो विशेष सावधानी रखें। गर्भवती महिलाएं भी थोड़ा ध्यान रखें अपना। धन के निवेश पर कंट्रोल करें, बेवजह पैसा इन्वेस्ट ना करें, या करें तो बहुत सोच समझ कर बहुत सही जगह पर करें। नशे वासना विलासता पर काबू करें। जीवन साथी का ध्यान रखें। अपने उम्र से किसी बड़ी महिला के साथ संबंध ना बनाएं। मंदिर या किसी भी धर्म स्थान में नमस्कार करते रहें भगवान को। कुछ भी हो जाए किसी भी बुरी संगत या बुरी लत में नहीं पड़ना है, किसी की जमानत नहीं लेनी है, और आर्थिक तंगी ना आए इसके लिए कंट्रोल करके पैसे को इन्वेस्ट करना है।
संतान सुख के लिए 26 तारीख तक रुकिएगा, उसके बाद आप लोग पुनः इस विषय पर विचार कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा 26 तारीख तक का जो वक्त है थोड़ा सा आपको संभल कर चलना चाहिए, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति गड़बड़ है तो आपको और विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शुक्र स्त्री है, शुक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे पहले तो अपने पत्नी या अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको खुश रखें, या और जो अन्य महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, तो यही पे शुक्र अच्छे हो जाएंगे। और बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर ये अंगूठी आ रही है, इसको डायमंड बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, ये अमेरिकन डायमंड की अंगूठी है, ये आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डी लिखकर व्हाट्सएप करना होगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 2250 रुपये में ये अंगूठी आपको चांदी में मड़ी हुई दे दी जाएगी, आपके घर भेज दी जाएगी। इसको पहनकर आगे आने वाले भविष्य में आप काफी सुख पा सकते हैं और अभी भी पा सकते हैं। तो कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है, तो मैं यही कहूंगा इस समय में मनचला नहीं बनना है, दिल फेक आशिक नहीं बनना है और कबूतरबाजी नहीं करनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, उनका अपमान नहीं करना है और पराई स्त्रियों से संबंध स्थापित नहीं करने हैं, क्योंकि शुक्र वासना विलासिता के कारक है, वो आपकी बुद्धि और प्रवृत्ति को उस तरफ ले जाएंगे। आपको बचकर निकलना है, खुद को भी बचाना है। बाकी आप ये अंगूठी पहनकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी सबसे अच्छा उपाय मैंने बताया, घर में जो महिलाएं हैं आपकी पत्नी है उनका सम्मान करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, शुक्र अच्छा हो जाएगा। और पत्नियां भी अपनी जुबान पर कंट्रोल करें, पति को दबाए नहीं, उनको उल्टा सीधा ना बोलें, और पति भी सेम ऐसा ही करें तो आपके जीवन में खुशियां पुनः वापस लौट आएंगी। और अगर फिर भी समस्याएं बड़ी हुई हैं और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से करके आपके घर और आपके चेहरे में खुशियां ले आएंगे। संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर। नमस्कार।